सबसे पहले चार पंक्तियां मैं इस तिरंगे पर पढ़ता हूं कि भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, इस अमर तिरंगे के तीनों रंग जिंदाबाद नहीं होते। आओ हम मिलकर सारे फूल चढ़ा दें उनके चरणों में, अगर अमर शहीद नहीं होते तो हम आजाद नहीं होते। वाह 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 वाह। भारत दुनिया में बहुत तेजी से उभरा है। ये अमृत है आजादी का, ये चमत्कार है खादी का, ये वीरों की कुर्बानी है, हर देश भक्त से नानी। जो मन में आता रहे मैं सुना रहा हूं, जो जो अच्छा लगेगा मैं देखता रहूंगा कि आप किस रस में जाना चाहते हैं। कि ये अमृत है आजादी का, ये चमत्कार है खादी का, ये वीरों की कुर्बानी है, हर देश भक्त से नानी है। बीते हैं वर्ष 75 पर खुशहाल हैं हम, आबाद हैं हम, केवल आजाद नहीं हैं हम, दुनिया में जिंदाबाद हैं हम, केवल आजाद नहीं है हम, दुनिया में जिंदाबाद हैं हम, दुनिया में जिंदाबाद हैं हम, दुनिया में जिंदाबाद। भारत केवल आजाद नहीं है, सारी दुनिया में जिंदाबाद भी है। मैं सारी दुनिया में जाता हूं, मैं भारत पर भी कुछ सुनाऊंगा आपको, धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ाता जाऊंगा। छत्तीसगढ़ देश बड़ा कमाल का है, हमारा देश अद्भुत है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। वाह 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 वाह, कमाल का देश है। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए, बोले अपन बाहर खाएंगे चल के। छोटे छोटे बच्चे बैठे, बहन की विदाई हो रही, तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, कभी कभी मिलके भी तालियां बजा दिया करो, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही रोना है। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है, भुगतने जेठालाल। छत्तीसगढ़ भी बड़ा कमाल का प्रदेश है भाई, कमाल का। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन निषाद जी छत्तीसगढ़िया आदमी, बालोद का आदमी कभी फंसता नहीं है, मुसीबत में रास्ता निकालना जानता है। हाँ, ना मिले तो यू टर्न लेके वापस आ जाता, लेकिन फंसेगा नहीं वो। कि हमारे एक मित्र हैं, उनका बेटा पढ़ लिख के एम्स में डॉक्टर हो गया, MBBS करके, अनिला जी एम्स में डॉक्टर हो गया। किसी के पत्नी की डिलीवरी होनी थी, वो पहुंच गया, बोले भैया पहली बार बाप बन रहा हूं, इशारे में बताना। लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। रिश्तेदार बैठे हैं, इशारे में बताना, शर्म लगती है, पहला बच्चा है। वो जुड़वा पैदा हो गए, लेकिन डॉक्टर बालोद का था, घबराया नहीं, मुस्कुराते हुए बाहर आया, बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया, नई मच्छरदानी नहीं लाया, उसने इस छेद के सामने एक दूसरा छेद और कर दिया, बाजार से एक पाइप खरीद के लाया, इस छेद और उस छेद में फिट कर दिया, मच्छर इधर से घुसे। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा ही नहीं। और पाइप से होते हुए दुर्ग की तरफ चले जाए, जो आदमी मच्छरों का बाईपास बना दे वो छत्तीसगढ़ का आदमी। जगह कमाल की जगह है, जगह जगह हंसी बिखरी पड़ी है। मैं बनारस गया, दो पंडित आपस में लड़ रहे, मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। मैंने तो गौरव भैया अभी ब्यूटी पार्लर के बाहर एक बोर्ड लगा देखा, ऐसा बोर्ड मैंने जीवन में नहीं पढ़ा। ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। क्या कमा, सोचते रहो हंसते रहो देर तक, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। वो प्रधान जी पहली बार विद्यालय गए, प्राइमरी स्कूल में कोई फंक्शन था,
प्रधान जी वहाँ चीफ गेस्ट बुलाए गए अनिला जी, उन्हें भाषण देने को कहा गया तो उनका उनकी नज़र दीवार पर पड़ी, प्राइमरी स्कूल की दीवार पर लिखा था विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। प्रधान जी ने कहा कि ये मुझे पहली बार पता चला, इसका मतलब ये है कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का होता है। अपने अपने सबके अर्थ हैं, अपने अपने अर्थ सब निकालते हैं। एक छंद सुनाता हूं जो अंग्रेजी के जेड की तरह होता है, जिस शब्द से पहली पंक्ति समाप्त होगी उसी शब्द से दूसरी पंक्ति शुरू होगी। कि काम चोर आदमी पड़ा हुआ था खाट में, काम चोर आदमी पड़ा हुआ था खाट में, खाट से उठाया उसे पत्नी की डांटने, डांटने के बाद कहा चले जाओ हाट में, हाट में जाओगे तो रहोगे बड़े ठाट में, ठाट में रहोगे जब काम करो दाम हो, दाम हो तो घर चले आना जब शाम हो, शाम हो गई तो ढूंढने को गई हाट में, हाट में भी ससुरा पड़ा हुआ था खाट में। जब मेरी पहली बार शादी हुई और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली देखी, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? अब ये जितने ताली बजा रहे हैं सब दही बड़े वाले ही हैं। मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहाँ दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना, ये शादी नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, योगी जी की सरकार आई पीछे तो उन्होंने आते ही नाम बदले, पता ही है आपको, एंटी रोमियो स्कॉट लगाया, एंटी रोमियो लगाया तो मैंने पूछा कि भाई एंटी रोमियो क्यों लगाया, प्रेमियों को पकड़ के पीटने वाला मामला। आज देखो कितना अद्भुत दिन है, इन सब कवियों को एक एक गुलाब का फूल दिया गया, जिन्हें वैलेंटाइन पर आज तक गुलाब नहीं मिला उन्हें 15 अगस्त पर दिया गया कि चलो तुम्हें शांति मिले तो बजा दो, कोई बात नहीं, दो चार लोग क्यों। तो योगी जी से मैंने पूछा कि एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया, और उनका जवाब सुनना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, एक बात कही रोमियो से योगी जी ने सुन, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया। ताल भी दे सकते हैं और ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुने करने का वादा करता हूं। थक आप भी गए हैं और थके हम भी हैं, लेकिन दोनों मिलकर इसे उत्सव बना देंगे तो थकान दोनों की कम हो जाएगी। नाम बदले कई शहरों के, माननीय योगी जी ने कई शहरों के नाम बदले। अनिला जी, हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, कन्फर्म टिकट लिया ट्रेन का 6 महीने पहले का, फैजाबाद से इलाहाबाद, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, मिश्रा जी विदाउट टिकट। मुझे तो करीना कपूर जी मिल गई मुंबई में एक कार्यक्रम में, मैंने कहा भाई यूपी आओ एक बार घूम जाओ, बोले नहीं यूपी नहीं आएंगे, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है यूपी में, मैं नहीं आऊँ। मैंने कहा क्या टेंशन है, बोले नाम बदल रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या टेंशन है। अब उनकी टेंशन सुनना, उनका तनाव सुनना कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम ना कर दें, क्या बात, खाओ खाओ पूरा देश ही खा रहा है, आप क्यों नहीं खाओ आप अन्यथा मत लो, पूरा देश भूखा थोड़ी है, खा रहा है तो मैं कह रहा हूं आप भी खाओ। अब करीना कपूर की टेंशन सुनना कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे, वाह वाह वाह, ताल भी दो, आनंद में बैठो आप, हाथ खोल के आप ऐसे बैठ जाते हो कई बार, और ये हमारे यहाँ के लोकल कवि वीडियो बना रहे हैं, अरे यहीं हंस लो यार, वीडियो घर देख के हंसोगे, अभी हंसो।
कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे और दूध चौथी पंक्ति में लगे कि मैंने आनंद भर दिया है तो फिर आपके हाथ उठें कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। ओ, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जवाब नहीं भाई। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, देखो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। अनिल जी कवि सम्मेलन सुनने के बाद अधिकारी कर्मचारी दोनों ही कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। अगले दिन वो कर्मचारी गया, बोले साहब 15 दिन की छुट्टी दे दो, गांव जाना है। अधिकारी मजे के मूड में था, बोले जरूर दूंगा लेकिन पहले ये बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो कर्मचारी बोला साहब हो सकता है उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। वाह वाह वाह। छुट्टी दे, साला छुट्टी का अलग फंडा है। ये लोग सरहद पे तनाव तनाव, कोई तनाव नहीं है अशोक बाबू, खामखा आप छाती कूट रहे, अपना बीपी बढ़ा रहे, इनका बीपी बढ़ाते, कोई ऐसा तनाव नहीं है। मैं तो जाके देख के आया हूं। एक सिपाही ने कर्नल साहब से छुट्टी मांगी सरहद पर, अभी बोले साहब छुट्टी दे दो 15 दिन गांव जाना है। तो कर्नल ने कहा दूंगा लेकिन पहले पाकिस्तानी सेना के 3 टैंक लेके आओ। वो गया और 15 मिनट में 3 टैंक लेके आ गया। बोले ये लोग अब तो छुट्टी दे दो। कर्नल का दिमाग खराब, बोले इतनी लड़ाई होती है, लोग मारे जाते हैं, खून खराबा होता है, युद्ध होता है, तब हम 3 टैंक जीत के ला पाते हैं, तुम 15 मिनट में 3 टैंक कैसे ले आए। अरे बोले साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब उन्हें छुट्टी चाहिए होती है तो हमारे ले जाते हैं। छुट्टी मिलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, छुट्टी मिलनी चाहिए। कमाल, अलग अलग वर्ग में जगह जगह कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है, देश में जगह जगह फैला पड़ा है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में नहीं है। मैं अब इनके सामने थोड़ी कहूंगा कि है नहीं है, भाई नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अच्छे लोग भी सब जगह हैं, यहाँ जितने लोग बैठे। वो अदालत में दो वकील बहस कर रहे, जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए, दरखास्त देता हूँ। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। कानून की किताब लाई गई, जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 पलटा, 2-2 हजार के 10 नोट रखे थे। मतलब ये कहा ही नहीं गया था, वकील साहब ने ये नहीं कहा था कि किसी धारा के आधार पर या कानून की किसी उसके आधार पर, उनका कहा था कि जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर। इशारा समझ गए जज साहब, 2-2 हजार के 10 नोट देखे, मुस्कुराए, अच्छा लगा, किताब दराज में रखी, समर्थन करना पीछे वालों तक। और जज साहब को अच्छा लगा किताब दराज में रखी और बोले वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। अरे वाह 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 वाह, गजब गजब। सब तरफ अलग कहानी है, पूरा देश मौज मस्ती से चल रहा है, तनाव की जरूरत ही नहीं है। वो एक का मुकदमा चल रहा था गौरव जी, मुजरिम कटघरे में खड़ा है, अदालत ने जज साहब ने फैसला सुनाने से पहले, सजा देने से पहले मुजरिम से पूछा कि तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो। मुजरिम ने बड़े भोलेपन से कहा कि साहब रात को 2-2 बजे तक आप जिससे चैटिंग करते हैं वो आपकी प्यारी स्वीटी मैं ही हूं। अब जज साहब को न समझ में आए कि इसे सजा सुनाए कि बरी करें। केजरीवाल जी की सरकार आई, सुनना आप आनंद लेना, राजनीति से हंसी कैसे निकलती है। कि धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए। जब मुझे लगेगा कि आप थक रहे हैं तो मैं धीरे धीरे छोटा करूंगा, अभी बढ़िया मैंने शुरू ही नहीं किया है, अभी तो मैं गला साफ कर रहा हूं। कि धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। खास खास, सबकी अपनी तकलीफें हैं, राहुल गांधी की अपनी तकलीफ है, उनका दर्द देखो कितना बारीक है।
कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटें बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया। मोदी जी की अपनी तकलीफ है, नोटबंदी की मैंने उससे भी चार पंक्तियां आनंद की निकाली कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। वाह 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 वाह। इस मामले में छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत की एक विचार है। प्रेम भी हंसाता है, इतना बढ़िया प्रेम के गीत सुनाए अंकिता ने, प्रेम में भी हंसी है। थोड़ी देर प्रेम से हंसी निकालता हूँ। सब जगह अस्पताल तक में हंसी है, भर्ती था एक हफ्ते से मैं अस्पताल में, एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में। आपको मजा आ रहा है, आगे सुनो कि भर्ती था एक हफ्ते से मैं अस्पताल में, एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में। रुखसत के वक्त हाले दिन उसको बता दिया, बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया। बोली वो झूठ आपने तोहमत लगाई है, हमने हुजूर दिल नहीं किडनी चुराई है। अस्पताल में भी हंसी। क्या बात है, हंसी फैली पड़ी है। क्या बात है, प्रेम में भी हंसी है। सुनना कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। वाह वाह। अब ये प्रेम अलग अलग व्यक्ति को हो तो उसकी भाषा बदलती है, उसकी भाषा का आनंद लेना। किसान को प्रेम हो जाए, भाषा देखो कि पहले तो जा रही थी जिंदगी से तुम्हें, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। क्या बात। अब ये प्रेम किसी सब्जी बेचने वाले को हो जाए, उसकी भाषा देखो कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। पानी छिड़क। वाह 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 वाह। कोई डॉक्टर तो नहीं है यार? है हाँ, अरे यही है ये तो डॉक्टर। डॉक्टर को प्रेम हो जाए, उनकी भाषा देखो कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा। आखिरी लाइन में पूरा मजा आएगा आपको, आइए। कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। वो प्रोफेशन दिमाग में रहे कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं। वाह। जिस मन से मैं पढ़ना चाहता हूं वो मन अभी मिल नहीं रहा है, सब थोड़ा जागेंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी। बस कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। और एक पंक्ति में हास्य हो तो सबके हाथ खुलें कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, जो अपनी। प्रेम में मुश्किल क्या होती है निषाद जी, मैं मुश्किल बताता हूं कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी। नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख गानी, तेरी दाई आंख।
रोमांटिक पति कहता है गोरी तेरे नैना जादू भरे, और धार्मिक पत्नी कह देती है ओम जय जगदीश हरे। लोग प्रेम करते हैं, शादी नहीं हो पाती, क्या कारण रहते होंगे, क्या अंतर रहते होंगे, वो निषाद भाई मैंने हास्य के माध्यम से खोजे हैं और संबोधन के माध्यम से। अगर आपको लगे ऐसे संबोधन, ऐसे अंतर आपने कभी सुने नहीं, तो एक एक संबोधन पे आप आनंद लेना। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। वाह वाह वाह, सुनना। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। सब लोग अंतर सुनना। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा। वाह। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्ब्रेटा। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय। ये हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन है। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। वाह 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 वाह। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्मुनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। वाह वाह वाह। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। आ जाओ बाबू, ये तुम्हारा सातवां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। कि मैं शनि देव जैसा कुरूप तुमको मलकंचन काया हो। कि मैं शनि देव जैसा कुरूप तुमको मलकंचन काया हो। मैं तन से मन से कांसी हूँ, तुम माँ चंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताज महल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। क्या बात है। तुम जट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। दो लोगों की अगर शकल मिलती है तो भाई भाई होते हैं, अकल मिलती है तो दोस्त होते हैं। जिनकी ना शकल मिले ना अकल मिले, वो पति पत्नी होते हैं। कम से कम मेरा निजी अनुभव तो यही है भाई। और अंतर सुनाता हूं। कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम एके 47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुररा बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा।
तुम मछली मानसरोवर की, मैं सागर तट का हूं घोंगा, 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। अंत में राजनीश से अंतर सुनाता हूं कि तुम जया प्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूं, तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नाड़ी हूँ, तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर, तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारू की तरह बोर, तुम सत्ता हूँ, तुम हो ममता और माया सी, मैं ग्वारा अटल बिहारी, तुम हो ममता और माया सी, मैं ग्वारा अटल बिहारी हूँ, तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तिहाड़ की जेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं। एक लाइन आप भी सब गाएंगे तो मजा आएगा कि ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना। वाह, वैसे ही सुनना जैसे इस मूड में मैं हूं, कि ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, रंजो गम किस तरह सहता है तेरा दीवाना, ये जमाना मुझे कह, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं दोहराता रहूंगा, कि ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, रंजो गम किस तरह सहता है तेरा दीवाना, मेरे बिस्तर की सलवटें बताएंगी तुझको, देख किस हाल में रहता है तेरा दीवाना, ये जमाना मुझे ये लाइन आपकी है, ये जमाना मुझे कहता है तेरा, मेरी निगाह में दर्पण की तरह रहती है। तमाम रंग सुनना, शायरी सुनना शुद्ध समझने वाले गौरव भैया, कि मेरी निगाह में दर्पण की तरह रहती है, इस हवेली में तू आंगन की तरह रहती है, इस हवेली में तू आंगन की तरह रहती है, उतार भी नहीं सकता मैं पैरहन की तरह, तू मेरे जिस्म में धड़कन की तरह रहती है, ये जमाना मुझे कह, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दी, तेरी निगाह में, और हास्य भी सुनना, कि तेरी निगाह को दर्पण, और अंकिता जी एक पंक्ति आपको भी समर्पित करता हूं, कि मेरी बातें सुनो मंत्र सा असर रखती हैं, अंकिता जी को समर्पित करता हूं, समझ जाना आप इशारा मेरा, कि मेरी बातें सुनो मंत्र सा असर रखती हैं, गैर को अपना बनाने का हुनर रखती, खामोश नहीं, कि मेरी बातें सुनो मंत्र सा असर रखती हैं, गैर को अपना बनाने का हुनर रखती हैं, बहुत दिनों से बस ये बात बतानी थी तुम्हें, तेरी सहेलियां भी मुझ पे नजर रखती हैं। वाह वाह वाह, तेरी सहेलियां भी मुझ पे नजर रखती हैं, ये जमाना मुझे कहता है, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, तेरी निगाह में खतरे की तरह लगता हूँ, हो के सागर किसी कतरे की तरह लगता हूँ, मुझे पता न था कि बाप कसाई है तेरा, मैं उसे ईद के बकरे की तरह लगता हूँ, ये जमाना मुझे कहता है तेरा, वाह वाह, ये जमाना मुझे कहता है, फिर शायरी सुनना, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, दिन गुजरता है कहाँ रात कहाँ होती है, दिन गुजरता है कहाँ रात कहाँ होती है, रेत के गांव में बरसात कहाँ होती है, रेत के गांव, सुनना शायरी समझने वालों, आप भैया बेचैन, कि दिन गुजरता है कहाँ रात कहाँ होती है, रेत के गांव में बरसात कहाँ होती है, एक मुद्दत हुई हम साथ साथ रहते हैं, जिंदगी तेरी मेरी बात कहाँ होती है, जिंदगी तेरी मेरी बात कहाँ होती है।
अगर कोई चीज़ बेचैन जी को अच्छी लग रही है तो इसका मतलब वो अच्छी है। कि रेत के गांव में बरसात कहाँ होती है, एक मुद्दत हुई हम साथ साथ रहते हैं, जिंदगी तेरी मेरी बात कहाँ होती है, ये जमाना मुझे कहता है तेरा, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, बिना मंजिल के कदम अपने न थकने देंगे। गौरव भैया ये जमाना ही एक घंटे का है केवल, कि बिना मंजिल के कदम अपने न थकने देंगे, हम किसी तौर ये लश्कर नहीं रुकने देंगे। और आखिरी पंक्ति तक सबके हाथ उठे, समर्पित करता हूं निर्भीक भाई ओच के शानदार कवि जो हमारी पीढ़ी के यहां बैठे हैं, ये तीनों कवि ऐसे शानदार हैं, इनके लिए तालियां बजाएं, परफॉर्मेंस ऐसी टकसाल की तरह करते हैं। कि बिना मंजिल के कदम अपने न रुकने देंगे, बिना मंजिल के कदम अपने न थकने देंगे, हम किसी तौर ये लश्कर नहीं रुकने देंगे, हम किसी तौर ये लश्कर नहीं रुकने देंगे, ये मेरी माँ है जिसे लोग वतन कहते हैं, जान भी जाए तिरंगा नहीं झुकने देंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। ये मेरी माँ है जिसे लोग वतन कहते हैं, जान भी जाए तिरंगा नहीं झुकने देंगे, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ये जमाना मुझे कहता।